राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आधा से ज्यादा चुनाव खत्म हो गया है और इसके साथ साथ ये भी साफ हो गया है कि मोदी जी हार रहे हैं। मुख्य मुद्दे जैसे रोजगार, किसान, प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार, देश के संस्थान पर हमले हैं। हमारी पोलिंग साफ बता रही है कि भाजपा हार रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सेना और वायुसेना, नौसेना प्रधानमंत्री की कोई निजी संपत्ति नहीं है। जब वे कहते हैं कि यूपीए के वक्त सर्जिकल स्ट्राइक केवल वीडियो गेम्स में हुई थी, तो वो कांग्रेस के साथ साथ देश और उन सेना की अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, जनता पूछना चाहती है कि मोदी जी के रोजगार के वादे का क्या हुआ। हमारे मैनिफेस्टो के पहले चैप्टर में इस बारे में कहा गया है, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं है। भ्रष्टाचार का क्या हाल है? आज कभी कहीं कह दो कि चौकीदार तो आवाज आती है, चोर है। चुनाव नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, ये आप उनके चेहरे पर साफ देख सकते हैं। सेना मोदी जी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें लगता है कि सेना उनकी है। यह सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने नहीं किया, बल्कि सेना ने किया है। हमें सेना की राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री में इतनी समझ तो होनी ही चाहिए। राफेल के मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ चोरी किए, मैंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी मगर चौकीदार चोर है नारा है, यह सच्चाई है। मैं भाजपा और नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगता, मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी क्योंकि गलती हो गई थी। रोजगार के मामले में प्रधानमंत्री के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जो है वो उनका इस्तेमाल करते नहीं। मैंने उनसे कहा, आइए डिबेट कर लीजिए, मैं भी बहस के लिए तैयार हूँ, लेकिन अनिल अंबानी के घर नहीं जाऊंगा। हमारा पहला लक्ष्य मोदी को हराना है और हम आज नरेंद्र मोदी को हरा रहे हैं। भाजपा हारने वाली है, हम अपना पूरा दम लगा रहे हैं। SPN 9 से कुमार अभिनव की रिपोर्ट।